हेलो ऑल, जय हिंद। चलो अब हम आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू करते हैं। अभी तक का जो था बेसिक पॉइंट चालू था, अब आज से जो चालू होगा बहुत मजेदार टॉपिक चालू होगा जिसपे कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं अपने फाइनल एग्जाम में, एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब बेसिकली पॉइंट ऐसा है कि सपोज आपके पास एक सर्किट है और उस सर्किट में आपने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। आपको अगर सपोज ज्यादा करंट सर्किट में से पास करवाना हो बाय कनेक्टिंग मोर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो किस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्ट किए जाएंगे जिस वजह से हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अलग अलग क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लो, उसका भी कॉम्बिनेशन होता। कभी कभी ऐसा होता कि सपोज आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, सब में से सेम करंट फ्लो करवाना है। आपने एक पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है और आपको सेम करंट सब रेजिस्टेंसेस से या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में फ्लो करवाना है, तो उसके लिए भी एक तरीका रहेगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट करने का। इसके पहले मैंने दो टर्म यूज किया था, वन वॉज सीरीज एंड वन वॉज पैरल। चलो आज हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते सीरीज और पैरल का। आज पहले सीरीज पे डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे पैरेलल, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। आज हमारे को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस समझना है। अगर सपोज आपको कोई सर्किट डिजाइन करना है तो उसमें एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस डेफिनेटली हो सकते हैं, तो जब एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस सर्किट में होंगे तो ऑब्वियसली ऐसे वाले सर्किट को हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो आपके रेजिस्टेंस किस तरीके से कनेक्ट किए गए हैं उसके बेसिस पे हमारे दो टॉपिक रहेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब सीरीज और पैरेलल पहले समझने के पहले एक आपको एक सिंपल सा एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता, वाटर एनालॉजी हम समझते। रेजिस्टेंस और वाटर का भी एक सिंपल सा एनालॉजी है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वाटर एनालॉजी। और होप करता कि अपने जितने भी बच्चे वो सिंसियरली ये सब चीजें रिलेट करेंगे आगे भी। अब सपोज आपके पास में एक वाटर टैंक है, यू हैव वाटर टैंक, आपके पास में वाटर का एक टैंक है। ये वाटर टैंक में आपके पास में सपोज यू हैव 1000 लीटर ऑफ वाटर, 1000 लीटर पानी आपके पास में वाटर टैंक में। अब ऐसा है सपोज यहाँ पे से मैंने एक पाइप लिया, मतलब वाटर में एक ये जो टैंक है, टैंक में से पानी निकालने के लिए मैंने यहाँ पे मैंने एक पाइप निकाला, ठीक है, दिस इज वन पाइप। और ऑब्वियसली यहाँ पे से क्लोज्ड है, मतलब बाहर से कोई वाटर वगैरह निकालेगा नहीं, सिर्फ एक ही जरिया है जिसमें से क्या होगा, यहाँ से पानी निकाला जाएगा। दिस इज वेल, सपोज ये नल है, जैसे हमने इसको खोल दिए तो पूरा पानी जो रहेगा इसमें से यहां से फ्लो होगा। अब इंपॉर्टेंट सी चीज, अगर सपोज मैंने ये वाटर के सामने यानी ये जो होल है हमारा, इसको मैंने और एक एक दूसरा पाइप लगा दिया इसके अंदर, ये इस तरीके से मैंने पाइप लगा दिया। अब ये पाइप के अंदर मैंने और एक एक पाइप जोड़ दिया, और एक एक पाइप मैंने इसमें से जोड़ दिया है, ठीक है। देर इज नो वाटर लीकेज, कोई भी कनेक्शन में से कहीं भी वाटर लीकेज नहीं है। अब मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज पूछनी है आपको, अगर क्वेश्चन यानी ये जो जो मैंने बनाया स्टडी सेटअप वो आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो क्वेश्चन का आंसर देना बहुत सिंपल है। एक बार समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरे पास में एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक में 1000 लीटर पानी है। इस वाटर टैंक में आउटलेट का जरिया एक ही है, ये पाइप। जितना भी पानी इसमें से वाटर टैंक में से बाहर जाएगा तो वो थ्रू दिस पाइप जाएगा। अब मैंने ये पाइप को ये पाइप कनेक्ट कर दिया, ये पाइप को ये पाइप कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मैं पाइप को एक के बाद एक कनेक्ट करते जा रहा, मैंने इसको जोड़ा है किस तरीके से, इसको टेप वगैरह लगा के मैंने जोड़ दिया। और ऐसा अज्यूम करो कि इसमें से कोई भी लीकेज पानी का नहीं हो रहा, ठीक है। अब अगर सपोज ये पाइप में जैसे मैंने यहाँ पे से टैप खोल दिया, सपोज इधर 300 लीटर, सपोज 300 लीटर वाटर इधर से फ्लो हो रहा, ये पाइप में से 300 वाटर लीटर पहले ही जैसे मैंने टैप खोल दिया तो 300 लीटर वाटर इसमें से सपोज अगर फ्लो हो रहा, तो मैं कोई एक पॉइंट बोलो, अगर सपोज मैं यहाँ पे एक बकेट लू, एक बकेट और या फिर कुछ बड़ा ड्रम रखू यहाँ पे,
और यहाँ पे अगर वाटर मैं कलेक्ट करूँ तो व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट विल कम आउट थ्रू दिस पाइप. बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है. एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लो. यहाँ पे 1000 लीटर का टैंक है, यहाँ पे आउटलेट पानी पानी के लिए जो है वो पाइप है. ये पाइप मैंने दूसरे पाइप को कनेक्ट करा, वो पाइप और एक पाइप को कनेक्ट करा, उसके डायमीटर्स भले छोटे छोटे हैं. अब इम्पोर्टेंट सी चीज ये है कि मैंने इस तरीके से अरेंजमेंट की हुई है कि एक भी ड्रॉप ऑफ वाटर जो है, अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज नॉट वेस्टेड, अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज नॉट वेस्टेड. मैंने ये तरीके से क्या किया हुआ है, ये तरीके से मैंने अरेंजमेंट करी हुई है. एक अरेंजमेंट इस तरीके से करी हुई है कि जिसमें एक भी ड्रॉप पानी का वेस्ट नहीं हो रहा. तो अगर एक भी ड्रॉप पानी का वेस्ट नहीं हो रहा है, इफ इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज नॉट वेस्टेड, देन व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर बीइंग कलेक्टेड इन दिस बकेट इफ 300 लीटर ऑफ वाटर फ्लोस थ्रू दिस पाइप. क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे से अगर 300 लीटर पानी जा रहा तो ये बकेट में कितना लीटर पानी आएगा. बकेट बोलो या कंटेनर, और कंटेनर हमारा सफिशियंट है टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, तो व्हाट इज योर आंसर. बहुत से लोगों का आंसर 300 लीटर ही होगा. कितना लीटर? 300 लीटर. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल. तो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन जो है इसको हमारे को समझना है. अगर ये समझ में आ गया प्रोसीजर, तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंसेस इन सीरीज भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा. सबसे पहला पॉइंट हमारा वाटर के रिलेटेड. अब यहां से वाटर फ्लो हो रहा तो 300 लीटर पानी यहां से जाएगा. अब पानी को फ्लो करवाने के लिए कोई दूसरा रास्ता है नहीं, यहां से कोई लीकेज भी नहीं है. भले इसका डायमीटर छोटा है तो भी पूरा की पूरा पानी इधर से ही फ्लो होगा. अब और एक रास्ता नहीं है तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा पानी इधर से ही फ्लो होने वाला है. तो हमारे वाटर के फ्लो के लिए एक ही रास्ता था, देयर वाज ओनली वन पाथ, एक ही रास्ता अवेलेबल था. इसके लिए टोटल जो वाटर यहाँ पे आपका फ्लो होता हुआ 300 लीटर, तो एक कंटेनर में भी 300 लीटर वाटर ही कलेक्ट होगा. ठीक है, तो बेसिकली ये अरेंजमेंट हम किसके लिए कंसिडर करेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज. अब ये जो एनालॉजी, ये एनालॉजी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो. ठीक है, अब ये एनालॉजी मैं आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज के लिए बताऊंगा. तो सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इन सीरीज, फिर उसके बाद में रेजिस्टेंस इन पैरेलल आएगा. तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या है, फिर उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हमारे को समझना रहेगा, और ये अरेंजमेंट क्यों यूज किए जाती है रेजिस्टेंस इन सीरीज. तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में दो टाइप, पहला रेजिस्टेंस इन सीरीज, दूसरा पैरेलल. पहला आपको टॉपिक लिखना है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, इसको हम सीरीज अरेंजमेंट बोलेंगे. तो चलो पहला टॉपिक लिखो, प्लीज राइट डाउन फर्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंसेस इन सीरीज अरेंजमेंट, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज अरेंजमेंट. तो सबसे पहले ये सीरीज अरेंजमेंट क्यों यूज की जाती है, उसका बेसिक पॉइंट. रेजिस्टेंसेस इन सीरीज अरेंजमेंट, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज अरेंजमेंट कब यूज की जाती है. सबसे पहला पॉइंट, ये सीरीज अरेंजमेंट से आपके सर्किट का रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ जाता है. सो इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज रेजिस्टेंस इन सर्किट, अगर आपको सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो गो फॉर सीरीज अरेंजमेंट. तो बेसिकली सीरीज अरेंजमेंट क्यों यूज किए जाती है, सबसे पहला इसका यूज क्या है वो समझाता, फिर उसके बाद में उसकी डिटेल पे आएंगे हम. सीरीज अरेंजमेंट में बेसिकली जब भी आपके सर्किट में आपको लग रहा कि क्वांटिटी ऑफ करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा, आपको क्वांटिटी ऑफ करंट कम कर देना है किसमें, आपके सर्किट में, और आपको पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं करना है. सपोज आप बैटरी चेंज नहीं कर पा रहे हो और आपको करंट की क्वांटिटी क्या है कम करने की कोशिश अगर आपको करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप सीरीज में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर देंगे. जब भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे दैट विल ऑलवेज इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. क्वेश्चन ऐसा आता सीबीएसई में, नेम अरेंजमेंट विच इज यूज टू, क्वेश्चन लिखो आप, नेम अरेंजमेंट विच इज यूज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट. नेम अरेंजमेंट विच इज यूज टू इंक्रीज
द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आंसर रहेगा हमारा सीरीज अरेंजमेंट। सीरीज अरेंजमेंट में क्या होता है, सीरीज अरेंजमेंट में जो आपका सर्किट का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर सर्किट का आपको रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो आपको सीरीज अरेंजमेंट रखना पड़ेगी। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा आता, नेम अरेंजमेंट इन विच करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट डिक्रीजेस। नेम अरेंजमेंट इन विच करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट डिक्रीजेस, टोटल करंट जो सर्किट में से फ्लो होगा वो अगर आपको कम करवाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सीरीज अरेंजमेंट कनेक्ट करना पड़ेगी। क्यों? सीरीज अरेंजमेंट से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और जितना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उतना करंट कम फ्लो होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको बेसिक जो पॉइंट है वो मैं पहले बता देता, सीरीज अरेंजमेंट का यूज क्या है। तो सीरीज अरेंजमेंट अपना, इफ यू वांट टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट देन गो फॉर विच अरेंजमेंट, सीरीज अरेंजमेंट। इतना ही बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब सीरीज अरेंजमेंट क्या रहेगा, उसके पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे, उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या रहेगा, पहले उसके पॉइंट्स बता देता, उसका डेफिनेशन क्या है वो बता देता। व्हाट इज कॉल्ड सीरीज अरेंजमेंट, सीरीज अरेंजमेंट क्या रहती, इफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर इफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक अगर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो, सबसे पहला पॉइंट, इफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर इन सर्किट इन सच अ वे दैट same quantity of current flows through the circuit then arrangement is called series arrangement। तो what is called series arrangement, series arrangement क्या होती है, अगर आपके पास में बहुत सारे resistances है, resistance एक के बाद एक connect किए गए हो, जैसे train की बोगी एक के बाद एक connected रहती है, अगर suppose resistances एक के बाद एक connected हो और इस तरीके से connected हो कि the quantity of current flowing through every resistance remains the same, then this arrangement will be called as series arrangement। series arrangement में जो quantity of current है, जो flow होगा हर एक resistance है वो हमेशा constant रहेगा। तो what is called as series arrangement, series arrangement क्या रहेगा, एक ऐसी type की arrangement जिसमें number of resistances एक के बाद एक connected है और quantity of current flowing through these resistances is same then it is called as series arrangement। तो अपना series arrangement का definition लिख के रखो जल्दी से। The resistances, if the resistances are connected one after another in a circuit in such a way that same quantity of current flows through the circuit, then the arrangement is called as series arrangement। तब ये जाके arrangement को हम series arrangement बोलेंगे। ये arrangement को कौन से arrangement बोला जाएगा, series arrangement। तो what is called as series arrangement, series arrangement एक ऐसी arrangement है जिसमें रेजिस्टेंसेस एक के बाद एक प्लेस्ड है और इस तरीके से प्लेस्ड है कि हर एक रेजिस्टेंसेस में से सेम करंट जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो रहेगा सीरीज के रिलेटेड वो ऐसा, पहला पॉइंट ये बोला था मैंने कि सीरीज अरेंजमेंट कब लगानी है हमारे को, जब हमारे को क्वांटिटी ऑफ करंट कम करवाना है, जब सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज अरेंजमेंट आपको यूज करनी रहेगी। थर्ड पॉइंट जो रहेगा आपका सीरीज अरेंजमेंट में वो ऐसा,
आप जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करेंगे, द रेजिस्टेंसेस दैट यू आर गोइंग टू कनेक्ट इन सीरीज अरेंजमेंट विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. हर एक रेजिस्टर जो रहेगा या हर एक रेजिस्टेंस जो रहेगा उसका आपको पर्टिकुलर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा. वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल नॉट रिमेन सेम, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल नॉट रिमेन सेम फॉर एवरी रेजिस्टर. फॉर एवरी रेजिस्टर अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बदली तो पोटेंशियल की वैल्यू बदल जाएगी. रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बदलती है तो पोटेंशियल डिफरेंस उस रेजिस्टर का बदल जाएगा, बट करंट विल रिमेन सेम. तो उसका नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वैसा, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस every resistor changes. हर एक रेजिस्टेंस जो भी आपका रहेगा सर्किट में, जितने भी रेजिस्टेंसेस रहेंगे उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलेगी. अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो इफ रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट, अगर रेजिस्टेंसेस अलग अलग है तो आपका हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा. पोटेंशियल बोल सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं. बट टोटल पोटेंशियल पीडी लिख देगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू अप्लाइड बाय बैटरी. तो बैटरी आपकी जितना पोटेंशियल अप्लाई करेगी आपके सर्किट का टोटल पोटेंशियल जो रहेगा दैट विल बी वी, ये पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वी एंड दैट विल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल विच इज अप्लाइड बाय द बैटरी. आपकी बैटरी जितना टोटल पोटेंशियल अप्लाई करेगी उतना ही पोटेंशियल पूरे सर्किट में रहेगा, बट हर एक रेजिस्टर का अपना अलग 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 पोटेंशियल रहेगा. मैं आपको एक डायग्राम बता दूं, डायग्राम पे से ही आपको पूरा पॉइंट क्लियर होगा. पहले आपको पूरे पॉइंट नोट करके रख लेने हैं, पहले मैं आपको बेसिक पॉइंट फिर रिवाइज करवाता. टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको एक ही चीज दो दो तीन तीन चार चार बार बोलूंगा. आपको याद रखना है, टैटू करवा लेना है दिमाग पे. क्या कर लेना है? टैटू. ध्यान से सुनो. पहला पॉइंट, व्हाट इज कॉल्ड सीरीज अरेंजमेंट. इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर in such a way that same current flows through every resistor, then this arrangement is called series arrangement. ऐसे arrangement को हम series arrangement बोलते हैं. अब second point ऐसा, आपका जो potential difference है हर एक resistance का वो same नहीं रहेगा अगर resistance की value change होती है तो. If value of resistances are not equal, then their potential difference will also be not equal. जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है आपके टोटल रेजिस्टर के अक्रॉस दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल विच इज डिलीवर्ड बाय सेल और बैटरी. सीरीज अरेंजमेंट कब कनेक्ट करना है आपको? आपको अगर सीरीज अरेंजमेंट कनेक्ट करना है तो उसके दो ही मेन मोटिव हो सकते हैं. एक, पहला आपको सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना हो, और सेकेंड करंट की क्वांटिटी कम करवाना हो. इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट देन कनेक्ट सीरीज अरेंजमेंट. अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो सीरीज अरेंजमेंट आपको यूज करनी है. अगर सपोज आपको क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट डिक्रीज करवाना हो, क्या करवाना हो? डिक्रीज, तो आप कौन सी अरेंजमेंट यूज करो? सीरीज अरेंजमेंट यूज करो. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं वाटर एनालॉजी के साथ में. अब हम डिस्कस करेंगे कौन सा वाला कंसेप्ट, रेजिस्टेंसेज इन सीरीज. तो रेजिस्टेंसेज इन सीरीज क्या रहेगा, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या रहेंगे वो हम समझेंगे. ठीक है, अब बेसिकली सीरीज अरेंजमेंट कैसे होता है, उसको कनेक्ट कैसे किया जाता है वो मैं आपको पहले बता देता. सपोज आपके पास में दो रेजिस्टेंसेस, उनको आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम का बेसिक्स. मैंने इसके पहले सिखाया हुआ है, उसमें ये चीज हमारी, सपोज ये बैटरी है, पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, यहाँ पे लगेगा की. ठीक है, की इज इन क्लोज कंडीशन, कनेक्टिंग वायर्स है, कंडक्टिंग वायर्स. फिर उसके बाद में ये आपका एक रहेगा रेजिस्टेंस,
ये जो रेजिस्टेंस है सपोज इट इज R1 के बाद में अगर अपने R2 कनेक्ट करे, ठीक है, एक के बाद एक, तो आपका ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट को हम सीरीज अरेंजमेंट बोलेंगे। दिस अरेंजमेंट विल बी कॉल्ड एज सीरीज अरेंजमेंट, सॉरी, ये अरेंजमेंट को हम सीरीज अरेंजमेंट बोलेंगे। तो व्हाट इज कॉल्ड सीरीज अरेंजमेंट? एक ऐसे टाइप का अरेंजमेंट जिसमें रेजिस्टेंसेस एक के बाद में एक कनेक्टेड हो। अब मैंने क्या बोला था कि जब आप एक के बाद एक सीरीज अरेंजमेंट यानी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्वांटिटी ऑफ करंट विल फ्लो इक्वल क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लो होगा। तो अब इमेजिन करो, अब ये रेजिस्टेंस सपोज एक पाइप है, पाइप को मैंने और एक पाइप कनेक्ट कर दिया, यहां पे से मैं कितना लीटर था, 300 लीटर मैं पानी फ्लो करवा रहा, 300 लीटर, तो इधर से कितना फ्लो होगा, ऑब्वियसली कितना लीटर, 300 लीटर। अब सिमिलरली सपोज आपने यहां करंट छोड़ा सर्किट में, करंट आ यहां से इस तरीके से जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इधर जाएगा। अब करंट को पास होने के लिए एक ही रास्ता है, तो जो करंट R1 से जाएगा वही करंट R2 से ही जाएगा, तो R2 से जो क्वांटिटी ऑफ करंट जाएगा दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ करंट पासिंग थ्रू R1। आपके डायरेक्शन ऑफ करंट का जो डायरेक्शन है वो सेम है, करंट को कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा क्या करने के लिए, डिवाइड होने के लिए। जैसे पाइप में एक सीधा रास्ता था पानी को फ्लो होने के लिए, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इसमें चेंज नहीं हुआ, उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ करंट में कोई चेंज नहीं मिलेगा। जितना क्वांटिटी ऑफ करंट R1 से फ्लो होता है उतना ही क्वांटिटी ऑफ करंट R2 से फ्लो होगा। इन सीरीज अरेंजमेंट क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 विल बी इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R2। अगर सपोज आपने और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिए तो भी R3 में का करंट जो फ्लो होगा दैट विल बी आई। इतना एक बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है। मतलब रेजिस्टेंसेस को जब आप एक के बाद एक कनेक्ट करेंगे, जैसे कि पाइप्स को एक के बाद एक कनेक्ट किया गया, तो जैसे पाइप में क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप कॉन्स्टेंट है, उसी तरीके से इन केस ऑफ रेजिस्टेंसेस नंबर ऑफ जो जितने भी रेजिस्टेंसेस है आपके उसमें से करंट की क्वांटिटी जो फ्लो होंगी वो सेम रहेगी। तो व्हाट इज कॉल्ड सीरीज अरेंजमेंट? सीरीज अरेंजमेंट में करंट एक आपका जो रेजिस्टेंस है एक के बाद एक कनेक्ट किया जाएगा, और द क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एवरी रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। क्वांटिटी ऑफ एवरी रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इंपॉर्टेंट चीज ऐसी, आपके पास में एक दो और तीन रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंसेस का एक हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। अब एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या रहेगा वो आपको पहले समझा देता, फिर हमारे को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं समझा रहा हूं दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब जनरली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझाने के लिए मैं एक मूवी सीन बता देता आपको, मूवी सीन या फिर झगड़े में क्या होता है वो अपन एक जनरल डिस्कशन करते, उसके बेसिस पे आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अपन ऐसा बोलते कि बहुत से मूवी सीन में बता दे, एक काम कर, तेरे पास जितने आदमी सब लेके आ जा, मैं अकेला ही तेरे लिए काफी हूं। तो मतलब साउथ इंडियन मूवीज में जनरली होता 20-25 लोग आते और 20-25 लोगों से एक अकेला ही हीरो लड़ लेता। तो अपन क्या बोलते, मैं अकेला ही तुम 25 लोगों के बराबर हो, या मैं अकेला ही तुम 20 लोगों के बराबर हो, या मैं अकेला ही तुम 100 लोगों के बराबर हो। तो ये तेलुगु मूवी है मगदीरा, उसमें एक अकेला ही बंदा 100 लोगों से लड़ लेता। तो मतलब एक आदमी में 100 लोगों की पावर है, या 100 लोग मिलके जितनी ताकत लगा सकते उतना एक ही आदमी में प्रेजेंट है। तो जब हम चीजों को कंपेयर करते तो अपन ऐसा वो इसको बोल सकते क्या, 100 लोग का पावर एक ही बंदे में, मतलब दिस वन पर्सन इज इक्विवेलेंट टू द पावर ऑफ अदर 100। एक ही बंदा 100 लोगों के बराबर है। तो जब ऐसा कंपैरिजन होता है तो उसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? इक्विवेलेंट।
या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं इफेक्टिव। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है। अब बेसिकली मेरे पास में यहाँ पे तीन रेजिस्टेंसेस है। अब ये तीन रेजिस्टेंसेस मैंने कनेक्ट किया सीरीज में एक के बाद एक, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस मिलके करंट को क्या करेंगे, अपोज, दे आर गोइंग टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, दे आर गोइंग टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। अब अगर सपोज मैंने एक सर्किट डायग्राम निकाला जिसमें एक ही रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है, सिर्फ एक, ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट को अपोज कर रहा है। किसको अपोज कर रहा है, करंट को। सबसे पहला कंडीशन ध्यान रखो, एक दो तीन, तीन रेजिस्टेंसेस थे, ये तीनों रेजिस्टेंस क्या कर रहे, करंट को आने से रोक रहे। अब ये तीनों मिलके जो फोर्स लगाएंगे किसके अगेंस्ट, करंट के अगेंस्ट, ठीक है, इसकी पर्टिकुलर कुछ वैल्यू रहेगी। अब मैं क्या कर रहा, तीन रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करने के बजाय एक ही रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे रहा सर्किट में, और ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है ये तीनों के बराबर है। मतलब ये तीन लोग मिलके जितना करंट को अपोज कर रहे उतना ये अकेला ही कर दे रहा, तो ये वाले रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। व्हाट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अ रेजिस्टेंस व्हिच हैज इफेक्ट, अ रेजिस्टेंस व्हिच हैज इफेक्ट सेम एज दैट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू या जिसका इफेक्ट बाकी के रेजिस्टेंसेस के इक्वल हो, उसको हम इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो व्हाट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट, कम ऑन, चलो जल्दी जल्दी बोलो। पॉइंट क्या रहेगा, ये तीन जने मिलके क्या करे, करंट को रोक रहे। अब तीन जने मिलके जितना करंट को रोक रहे थे उसके कंपैरिजन में एक ही बंदा खड़ा होगा और बोल रहा, आजा मैं तुम्हारे को रोकूंगा। एक रेजिस्टेंस किसको रोक रहा, आने वाले करंट को, और ये जितने ताकत से करंट को रोक रहा उतनी ये तीनों की बराबर है। तो ऐसे टाइप का रेजिस्टेंस जिसका इफेक्ट करंट को अपोज करने का बाकी के रेजिस्टेंसेस के इक्वल है, उसको हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे, फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज और इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे को अभी डिस्कस करना है, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो, डिफाइन इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, अ सिंगल रेजिस्टेंस हुज इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ इफेक्ट ऑफ combination of resistances. What define effective resistance? A single resistance whose effect is same as that of effect of combination of resistances ya other resistances. Aisa apan point usko bol sakte, usko hum kya bolenge, effective resistance. Effective resistance ko R effective se represent kiya jata hai. इफेक्टिव रेजिस्टेंस का दूसरा नाम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी होता है, उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या रहेगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसका इफेक्ट बाकी के सब रेजिस्टेंसेस के इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर इक्विवेलेंट या फिर आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये रहेगा रिप्रेजेंटेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का।
ठीक है, अब आपको इम्पोर्टेंट सा डेरिवेशन बता था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डेरिवेशन फॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलो ध्यान से आपको अब सॉल्व करना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट रहेगा. एक डेरिवेशन मैं बताऊंगा, एक डेरिवेशन आपको होमवर्क के लिए रहेगा. प्रोसीजर विल रिमेन द सेम. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. बहुत सिंपल कंसेप्ट है. पानी से एनोलॉजी लगा और कंसेप्ट बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन लिखो. डिराइव द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर डिराइव द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस connected in series. तो डिफाइन, ये क्या आपको क्वेश्चन है, डिराइव द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर नंबर ऑफ के जगह पे हम क्या करते, थ्री रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, आपको तीन रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद में आपको उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेफिनेशन प्लस उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको निकालना है. तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे. सबसे पहली चीज आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कनेक्ट थ्री रेजिस्टेंसेस इन सीरीज. तुम क्या बोलेंगे, लेट R1, R2, R3 बी थ्री रेजिस्टेंसेस. लेट R1, R2, R3 बी थ्री रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज. क्या बोल रहे हैं, लेट R1, R2 एंड R3 बी थ्री रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज. उसका सर्किट डायग्राम आपको निकालना पड़ेगा. तो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3. फिर इनमें से जो करंट फ्लो होगा इसको मेजर करने के लिए हम एमीटर लगा रहे. फिर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव. सपोज दिस इज अ बैटरी, दिस इज क्लोज्ड की, और ये हमारा सर्किट हो जाएगा कंप्लीट. दिस इज कनेक्टिंग वायर, इसको बोलेंगे दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3. R1, R2 और R3 ये हमारा वैल्यू और रेजिस्टेंस इसका. एवरी रेजिस्टेंस विल हैव सेम क्वांटिटी ऑफ करंट बट वोल्टेज विल बी डिफरेंट. हर किसी में वोल्टेज डिफरेंट रहेगा, वोल्टेज विल बी डिफरेंट, प्लस माइनस ऐसा. करंट इधर से पास होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस विल बी I. और करंट को फ्लो होने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है. इसके लिए करंट जो फ्लो होगा सेम विल फ्लो थ्रू R1, सेम विल फ्लो थ्रू R2, सेम विल फ्लो थ्रू R3. जो क्वांटिटी ऑफ करंट है R1, R2 और R3 से फ्लो होने वाला वो हमेशा सेम रहेगा. अब क्या बोला जा रहा, आपको सीरीज अरेंजमेंट के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस का क्या निकालना है, एक इक्वेशन निकालना है. तो सपोज क्या करेंगे, लेट वी बी द पोटेंशियल. अब इंपॉर्टेंट चीज, R1, R2 और R3 सेम नहीं है सपोज, तो जो पोटेंशियल रहेगा अक्रॉस दिस विल बी V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3. ये V1, V2 और V3 है. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपका करंट का क्वांटिटी सेम है बट पोटेंशियल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा. सपोज यहां पे से पोटेंशियल है 12 वोल्ट. कितना वोल्ट है, सपोज 12 वोल्ट. तो R1 के अक्रॉस सपोज 6 वोल्ट पोटेंशियल है, R2 के अक्रॉस 3 है और R3 के अक्रॉस भी सपोज 3 है. 6 + 3 + 3 विल बिकम 12. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बोला था वो ऐसा था कि टोटल सर्किट में का पोटेंशियल बैटरी जो पोटेंशियल डिलीवर करेगा उसके जितना ही रहेगा. दो द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 मे और मे नॉट बी सेम. V1, V2, V3 सेम हो भी सकता अगर सब रेजिस्टेंस सेम हो, और अगर सपोज रेजिस्टेंस सेम नहीं है तो V1, V2 एंड V3 विल बी डिफरेंट. तो हम क्या कंसिडर कर रहे, अपना डायग्राम ऐसा है कि तीन रेजिस्टेंस है, एक के बाद एक कनेक्ट किए गए, उसमें से सेम क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लो हो रहा.
The total potential which is delivered by the circuit is suppose V, ठीक है, और R1, R2, R3 तीन resistances है, उनके across potential V1, V2 और V3. आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा equivalent resistance का equation निकालना है, एक ऐसा resistance आपको निकालना है जिसमें जिसका इफेक्ट बाकी के तीन resistances के बराबर हो. तो मैग्नेटिक सर्किट ये है जनरल सर्किट डायग्राम, और एक सर्किट डायग्राम में आपको निकाल के बता था फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसे टाइप का रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू बाकी के रेजिस्टेंसेस के इक्वल हो. तो दिस इज सपोज आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट का जो क्वांटिटी रहेगा, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसका इफेक्ट बाकी के तीन रेजिस्टेंसेस के बराबर रहेगा. इसका जो इफेक्ट है बाकी के तीन रेजिस्टेंसेस के इफेक्ट के बराबर रहेगा. आपको इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन निकालनी है, बहुत सिंपल है. देखो आप ध्यान से, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे. हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखो, जब भी आपको डेरिवेशन सॉल्व करना है तो आपको ओम्स लॉ यूज करना पड़ेगा. कौन सा लॉ? ओम्स लॉ. और ओम्स लॉ हम क्या करेंगे, हम ऐसा बोलेंगे, सबसे पहली चीज, सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, फर्स्ट स्टेप, आपको ये देखना है कि टोटल पोटेंशियल डिलीवर्ड बाय सर्किट इज वी, और ये जो V है इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. V1 प्लस V2 प्लस V3 अगर आपने करे तो दैट फाइनल वैल्यू विल बी इक्वल टू V. ये 12 वोल्ट मैंने एग्जांपल के लिए दिया था, तो आपके डेरिवेशन में 12 वगैरह आपको यूज नहीं करना है, ठीक है. तो टोटल पोटेंशियल विच इज डिलीवर्ड बाय सर्किट, टोटल पोटेंशियल विच इज डिलीवर्ड बाय सर्किट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. तो हम क्या बोल रहे हैं, V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. क्या बोल रहे हैं, टोटल जो रहेगा पोटेंशियल सर्किट का इज V1 प्लस V2 प्लस V3. इन सीरीज करंट रिमेंस कॉन्स्टेंट, पोटेंशियल चेंजेस, और ये जो वैल्यू है पोटेंशियल की दैट इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल विच इज डिलीवर्ड बाय द सर्किट. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो V टोटल है दिस इज V टोटल. सेकेंड सर्किट को अगर आप देखेंगे तो ये V टोटल है. अब V जो है रहेगा, अपन क्या करेंगे, ये सर्किट को ओम्स लॉ लगाएंगे, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर. तो ये सर्किट को अगर आपने ओम्स लॉ अगर अप्लाई करे तो V क्या हो जाएगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट. ये सर्किट को मैंने क्या करा, ओम्स लॉ लगाया. अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द सेकेंड सर्किट, V टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू आर. अब सर्किट वन में हम क्या करेंगे, अब ये दोनों की वैल्यू तो सेम है, ठीक है, क्योंकि हमने ये क्या कंसिडर करी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 विल बी I इंटू आर वन. V2 क्या हो जाएगा, I इंटू आर टू प्लस I इंटू आर थ्री विल बी V3. अब मैंने यहां पे I, I और I कॉन्स्टेंट रखा, I1, I2, I3 नहीं लिखा. रीजन क्या है, बहुत सिंपल है, इन सीरीज अरेंजमेंट सेम क्वांटिटी ऑफ करंट, इन सीरीज अरेंजमेंट सेम क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट. तो क्या हो जाएगा, आई इंटू आई इक्वेलेंट, आई इंटू आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री. अब ये आई आर वन, आई आर टू और आई आर थ्री में से कुछ कॉन्स्टेंट निकल रहा है, यस आई कॉन्स्टेंट है, तो आई को हम क्या कर रहे हैं, बाहर खींच ले. तो हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा, आई आर इक्वेलेंट is equal to I into R equivalent is equal to I common R1 plus R2 plus R3. क्या हो जाएगा, R1 plus R2 plus R3 क्या क्या cancel हो जाएगा, I and I will be cancelled out. क्यों cancel हो जाएगा, क्योंकि वो constant है. तो R equivalent की value हो जाएगी R1 plus R2 plus R3, R1 plus R2 plus R3, ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा. तो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, इसका डेफिनेशन कैसे आएगा ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज अरेंजमेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज अरेंजमेंट कैन बी डिफाइंड एज और इज इक्वल टू सम ऑफ, यहां पे एडिशन हो रहा, सम ऑफ, एडिशन मतलब सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. तो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज अरेंजमेंट, सीरीज अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज
इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, मतलब आप जितने रेजिस्टेंसेस बढ़ाते जाएंगे उतना इक्वेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और जितना रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ता गया उतना करंट सर्किट में से कम होते जाएगा। तो मैंने जो पॉइंट बोला था कि ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज यूज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, ये सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। कैसे? क्योंकि इक्वेलेंट रेजिस्टेंस जो है इज इक्वल टू एडिशन ऑफ या सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। आपको क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, डिफाइन इक्वेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज, क्या आएगा आपको डेफिनेशन, इसके रिलेटेड एक डेफिनेशन जो आएगा वो मैं आपको बोल देता, आपको आंसर खुद लिखना है, और उसके बाद में एक होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा वो भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये डेरिवेशन आपको दो या तीन बार देखना है पॉज करके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका ऐसा रहेगा, डिफाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज अरेंजमेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज अरेंजमेंट। तो इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखो चलो इधर ध्यान दो, ये क्वेश्चन का आंसर इधर से बोल सकते हैं हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज अरेंजमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ सबका एडिशन होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, क्या रहेगा, इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का जब आप सम करेंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो सीरीज अरेंजमेंट का जो सिंपल सा पॉइंट है वैसा मैं आपको एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना हूं बता देता। तीन रेजिस्टेंस के लिए R1, R2, R3 कनेक्ट करो, इनमें से करंट की क्वांटिटी सेम रहती, पोटेंशियल चेंज होता, बट टोटल पोटेंशियल वी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जो हम क्या करेंगे, V टोटल इज V1 प्लस V2 प्लस V3, V टोटल रहेगा I into R इक्विवेलेंट ये सर्किट के हिसाब से, और ये सर्किट के हिसाब से V1 इज IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन निकाल लेंगे हम, I कॉमन निकला तो I और I विल कैंसल, तो R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज अरेंजमेंट का डेफिनेशन ये रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज अरेंजमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है, ये इस तरीके से आपको समझना है। तो आपको ये वाला डेफिनेशन आएगा, तो ये डेफिनेशन भी आपको लिखते आना चाहिए। तो डिफाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज, सीरीज अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होता है, क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। चलो अब आपको एक और एक होमवर्क का क्वेश्चन देता, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन घर पे जो सॉल्व करना है वो डेरिवेशन पूरा लिखना है बच्चों, एंड प्लीज कंसिडर दिस एज योर, मतलब ये अगर बहुत से बच्चों को ऐसा चल रहा कि अभी हॉलीडेज काइंड चल रहा है ऐसा मत समझो, बहुत से बच्चे लूडो खेल रहे अभी भी टाइम पास कर रहे हैं, बट वेब सीरीज देख रहे, वो एंजॉयमेंट का पार्ट अलग है, बट ये आपका 10th का बेस है, 11th का भी बेस है, तो आपको इसको सीरियसली समझना है। तो प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज ऑल्सो, 2 to 3 hours डेली यू नीड टू स्टडी एंड प्रैक्टिस वेरियस क्वेश्चंस, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा जो हम समझेंगे वो वैसा रहेगा। अब आपको जो क्वेश्चन घर पे सॉल्व करना है, डिराइव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर, डिराइव इक्वेशन फॉर लिख देंगे, इक्वेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर डिराइव इक्वेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस ना करते हो, टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, डिराइव इक्वेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, दो रेजिस्टेंसेस को आपको कनेक्ट करना है सीरीज में, और ये दो रेजिस्टेंसेस को जब आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड व्हेन यू कनेक्ट दिस टू रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, तो उसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका आपको इक्वेशन निकालना है, यू नीड टू कैलकुलेट द मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। तो
तो एक बार आप ट्राई करो, चलो आपको ट्राई करना है, घर पे नहीं आया तो मैं ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन ग्रुप में पोस्ट करूंगा। ये बेसिक टर्म था, इसके बाद में मैं इसके मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो आपको ये वाला पार्ट देखना है। फिर ये पार्ट समझने के बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। पहले मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन लूंगा, फिर थोड़ा टिपिकल करूंगा। तो ये रहा आपका कौन सा अरेंजमेंट, सीरीज अरेंजमेंट। पूरा पार्ट कंप्लीट करना है, घर पे ही रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।